मेरा नाम मनराज सिंह शर्मा है। तो आज मैं अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ। मैं उड़ीसा में पैदा हुआ था एंड वहाँ से मेरी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर की तरह हुई है, आई वुड से। मेरे मॉम टीचर हुआ करती थी उस टाइम पे। तो जब मैं पैदा हुआ था, मेरी मॉम एंड डैड का सेपरेशन हो गया था एंड वंस दे वर सेपरेटेड, मैं एक साल का हुआ हूँगा उनके साथ। मैं हॉस्टल्स में पढ़ता था मेरी मॉम के साथ बिकॉज शी वॉज अ टीचर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने काफ़ी स्कूल्स में मैंने पढ़ा है। एक टाइम आया जब मैं जब 10 साल का था, तो मैं जब देखता था बच्चों को हॉस्टल से जाते हुए उनके समर विंटर वेकेशन में, मैं हॉस्टल में ही रह जाता था। तो मेरे को लगता था कि मेरे को फैमिली चाहिए एंड माई मॉम ने फिर यू नो शी टुक एन इनिशिएटिव टू गेट बैक टू माई डैड। मेरा भाई पैदा हुआ उस टाइम, मैं होऊंगा आई थिंक 11-12 साल का। तब से मेरे अंदर ये था कि क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ इतना अटैच्ड अभी भी हूँ और पहले से था, तो आई हैड स्टार्टेड टू कुक, घर की सफाई सा काम, उनका हाथ बटाना, ये सब अंदर से यू नो आने लगा था। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट बोल के उस टाइम, कि मैं कर सकता हूँ, कि मुझे नहीं पता करना क्या है। 10th ख़त्म हुआ, मेरे मॉम एंड डैड फिर सेपरेट हो गए एंड माई मॉम हैड टू कम टू कर्नाटका मैसूर में। मैं अपना 11th-12th किया मैंने वहाँ पे और वहाँ से उसके बाद कॉलेज में ज्वाइन करना था। तो मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कहाँ पर जाऊँ एंड मेरी मॉम के लिए भी नई सिटी थी एंड टू हैंडल टू किड्स, दोनों डिफरेंट एज ग्रुप के। और बाय द वे मैं सरदार था उस टाइम, तो आई टेल यू रिगार्डिंग दिस इन फ्यूचर। तो क्या हुआ, आई डिड दैट होटल मैनेजमेंट करने के बाद आई रियलाइज कि क्राइस्ट कॉलेज है बैंगलोर में जहाँ पर होटल मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई थॉट यही बेस्ट कोर्स है मेरे लिए क्योंकि मेरे को कुकिंग बहुत अच्छी लगती थी एंड आई यूज टू यू नो केटर टू ऑल माई मॉम्स फ्रेंड्स कि उनके लिए खाना बनाना। तो उन्होंने बोला कि हाँ खाना अच्छा बनाते हैं तो वाई नॉट, तो मैं आई गेव एन अटेम्प्ट फॉर दैट। 4 साल मैंने होटल मैनेजमेंट की। विथ होटल मैनेजमेंट आई रियलाइज कि जो आदमी छोटे से छोटे काम कर रहा था, ये हमको कॉलेज में सीखने को मिला। क्योंकि बाकी सब कोर्स वाले अपना पढ़ते थे, आते थे, दे यूज टू गो होम, बट हम लोग प्रैक्टिकल्स में हम लोग कॉलेज साफ करते थे। फिर जब मैंने ट्रेनिंग की होटल्स में, आई हैड टू क्लीन वॉशरूम्स और बॉटल उठाना, कस्टमर्स के प्लेट्स उठाना, ये मेरे को बुरा नहीं लगता था बिकॉज आई यूज टू सी कि ये अगर आप काम नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा। तो वहाँ से मेरे को सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्डिंग वर्क शुरू होने लगी। मैंने वो काम किया, आई थिंक 2 साल ऑफ कॉलेज मैं सरदार था। फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं 17-18 साल का था, आई वॉज गेटिंग अवे फ्रॉम रिलीजन। आई वुड नॉट से आई एम अगेंस्ट रिलीजन, बट आई एम मोर स्पिरिचुअल आई वुड से इन माई ओन हार्ट। नाउ आई हैव बिकम, आई हैव रियलाइज्ड आई हैड दिस थिंग दैट आई डोंट नीड एन आइडेंटिटी टू बी समवन। तो मैंने अपने बाल कटवा दिए उस टाइम। माई मॉम वॉज रियली अगेंस्ट मी कि मैंने ये किया, ऐसे शी इज रियली ओपन, बट बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन टू हर कि मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है एज अ ह्यूमन। वो करने के बाद आई रियलाइज सोसाइटी में जो हम लोग रहते हैं, यू कुड चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन एंड पीपल विल परसीव यू फॉर वॉट यू बिकम। मैं जब सरदार था तो लोग मुझे डिफरेंट नज़रिए से देखते थे, और जब मैंने बाल काटे उनका नज़रिया, उन्हीं लोगों का नज़रिया चेंज हो गया देखने का। उस टाइम मेरे को बहुत एक हिट हुआ 19 साल के लड़के को कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने आप को कुछ चेंज करो, लोग तुमको दूसरे नज़रिए से देखेंगे। स्लोली स्लोली आई रियलाइज कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो लोगों से बात कर सकता है। मैं शायद किचन में ना रहूँ, एज अ प्रोफेशन ना रहूँ, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है बट एज अ प्रोफेशन आई विल नॉट टेक इट। तो उस टाइम आई वॉज इन बैंगलोर एंड आई डिड रिटेल सल्वतोर फेरागामो के लिए, एक ब्रांड है, उसमें मैं सेल्स एंड मार्केटिंग करता था। ऑपरेशंस मैंने हैंडल किए उस पर 4 साल। तब वो काम करते वक्त आई वॉज वेरी फ्री कि हाँ चलो यू नो एज अ 20 साल का लड़का होता है कि हाँ चलो मेरे को सैलरी मिल रही है, मेरे को लेट उठना है, काम पे जाना है, आई एम डन। करते 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 एक टाइम आया, आई वुड वॉन्ट टू शेयर दिस कि एक्टर में कैसे मैं इस पोजिशन में कैसे आया आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट काम करने के बाद। एक मूवी आई थी रॉकस्टार बोल के, रणबीर कपूर की। मैंने जब पहली बार मूवी देखी ना, आई कुड रिलेट माई सेल्फ एज अ पर्सन कि मैं अपने आप को देख रहा था वहाँ कर कि मैं ये सब कर सकता हूँ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा कोई प्रोफेशन है, जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट को नहीं पता था कि ऐसा भी है जिसमें मैं पैसे कमा सकता हूँ, प्लस आई कैन बी हैप्पी टू, क्योंकि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था एनी मोर। ये सोचते सोचते एक दिन मैंने किसी मेरे दोस्त से बात की कि मुझे ये सब करना है, आई लाइक दिस वर्क एंड आई वॉन्ट टू डू दिस, कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू जॉइन द वर्कशॉप, यहाँ पर एक्टिंग के वर्कशॉप बैंगलोर में होते हैं, जॉइन दिस ग्रुप एंड यू विल सी व्हाट विल हैपन। आई सेड ओके लेट मी ट्राई।
तो मैंने अपने काम पे बोला कि यू नो सैटरडे संडे मेरे को प्लीज़ पार्ट टाइम के लिए मेरे को ये दे दो कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट करूँगा और शाम को शायद मैं थिएटर कर सकूँ. तो उस टाइम जो मेरी मैनेजर थी वो बोले कि हाँ ठीक है, वाई डोंट यू ट्राई, गो फॉर इट, वी डोंट हैव प्रॉब्लम. तो मैंने शुरू किया. करते करते मैंने पहला बैच किया, पहला बैच के बाद मैंने दूसरा इंटरमीडिएट बैच किया. बाय द टाइम मेरे को वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि जब मैं प्लेस कर रहा था बैंगलोर में, मैं अपने मैनेजर्स, अपने अपनी मॉम और अपने दोस्तों को बुलाता था देखने के लिए, ताकि आई गेट टू नो कि मैं जो ये सोच रहा हूँ कर रहा हूँ ठीक है, या मैं जस्ट ये हवेबाजी में, जस्ट बिकॉज आई थिंक आई लुक अ पर्टिकुलर वे, जस्ट अब मेरे को लोग बोल रहे हैं कि तू ये कर सकता है, तू मॉडलिंग कर सकता है, तू ये कर सकता है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं. करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, हाँ मेरे में पोटेंशियल है, शायद कहीं पर स्पार्क है, बट उस स्पार्क का आई नीड टू मेक यूज ऑफ इट. और काम करते करते आई रियलाइज कि मैं ये हॉबी एज अ हॉबी नहीं कर सकता एनी मोर, आई जस्ट कांट डू इट एज अ हॉबी, क्योंकि ये काम मेरे को पसंद है. अब शायद इसमें पैसे मिले ना मिले, आई डोंट नो, बट मुझे ये काम डेफिनेटली पसंद लगा, क्योंकि मैं जब घर जाता था प्ले करने के बाद और जो सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलती थी अगर मैं किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट को बेचूँ और किसी ने खरीदा, आई नेवर टू बी सेटिस्फाइड कि वो खरीद के चले गए, वो शायद सेटिस्फाइड हैं अपना, अपने पैसे दे के और अपना, अपने पास वो प्रोडक्ट लेके, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था बेचने के बाद. आई रियलाइज कि मेरे पास क्या है. जब मैंने स्टेज पे काम करने, लोग आके मेरे को बोलते थे तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, मैं जब घर जाता था ना, आई यूज टू फील हैप्पी वाइल स्लीपिंग कि कुछ तो मैं कर रहा हूँ कि लोग मुझे आके कुछ बोल रहे हैं, मेरे लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं. देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे शायद बॉम्बे जाना है एंड आई नीड टू फिगर दिस आउट कि हाउ शुड आई डू दिस. एंड आई वॉज प्रेटी श्योर कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एंड अ होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, आई वॉज प्रेटी सॉर्टेड इन अ वे दैट कि आई नो एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ लर्न करने का. जैसे अगर मैं शेफ बनना चाहता था या मैं कोई भी है, जैसे कोई बीबीएम कर रहा हो या कोई अकाउंट्स में जाना हो या कोई किसी को सीए बनना है, दे हैव टू स्टडी. तो मुझे पता था एक्टिंग मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ मीडियम, क्योंकि ये स्किल सेट है. एक्टर तो कोई भी बन सकता है, हम सभी एक्टर हैं एज ए देखा जाए तो, पूरी दुनिया एक्टिंग कर रही है, सबके पास अपने अपने मास्क हैं, सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं कि आज मैं इनके साथ ऐसा हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा हूँ, अपने दोस्तों के साथ ऐसा हूँ, कुछ दोस्तों के साथ मैं ऐसा हूँ, कुछ के साथ वैसा हूँ. तो हम ऐसे भी एक्ट कर ही रहे हैं, बट उस एक्टिंग को कैसे रियलाइज़ करना कि तुम कोई कैरेक्टर प्ले करो किसी के लिए, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि उनको लगे कि इस बंदे ने हमको अफेक्ट किया है, ये बंदा है नहीं वो, बट हमने ऐसे किसी बंदे को देखा है. दैट वॉज फैसिनेटिंग फॉर मी कि इफ़ आई कैन डू दिस और किसी को रियलाइज मैं करा सकता हूँ अपने अपने यू नो अपने स्किल सेट से, एंड उससे मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं, प्लस मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, लाइक वाई नॉट, लेट्स गिव अ ट्राई. तो मैंने 6 महीने जब मैं काम कर रहा था, आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च कि मेरे को करना क्या है, कौन से मेरे को एक्टिंग स्कूल में जाना है, विच एक्टिंग स्कूल शुड आई डू विच इज़ गुड. सो मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बैरी जॉन, रोशन तनेजा, अनुपम खेर. मैंने सब एक्टिंग स्कूल के बारे में पढ़ा. आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग ऑल द पीपल जो भी एक्टिंग स्कूल से पास आउट हो चुके थे. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम ऑन फेसबुक, टॉकिंग देम, आस्किंग देम, मेलिंग देम ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स हियर. किसी का रिप्लाई आता था, नहीं आता था. आई वाज लाइक मेरे को श्योर होना, अगर मैं ये जॉब क्विट करके बॉम्बे जाना चाहता हूँ, आई शुड बी श्योर कि ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ. फिर आई थिंक 2013 अराउंड फेब मार्च में आई वॉज डूइंग अ प्ले एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम माई डायरेक्टर फ्रेंड कि ड्रामा स्कूल मुंबई बोल के एक स्कूल खुलने वाला है एंड ये पहला बैच शुरू होने वाला है. उनका एक ऑडिशन प्रोसेस है जो बाहर से, देर आर टीचर्स फ्रॉम कॉमेडिया एंड फ्रॉम डेलाट एंड फ्रॉम फ्रांस एंड देव जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बॉम्बे में, थिएटर कर रहे हैं, और वो पढ़ के आए हैं वहाँ से. आई रियलाइज दीज आर द फैकल्टीज जिनके थ्रू आई कैन लर्न एज अ पर्सन. आई अप्लाइड फॉर दैट कोर्स, मैंने अप्लाई किया एंड अप्लाई करने के बाद मैंने किसी को नहीं बोला था ये बात, लाइक नो वन न्यू. उनको पता था कि मैं एक्टिंग एज अ हॉबी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और मेरा पैशन है, आई एम इन इट. लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे बोले कि क्यों कैसे. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक माई ओन डिसीजन. आई टुक दैट. मुझे कॉल आया कि बॉम्बे आना है एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस ऑडिशन प्रोसेस जो 3 दिन का होने वाला है बॉम्बे में, और दे आर कॉलिंग एवरी वन फ्रॉम इंडिया टू डू दिस ऑडिशन. तो मैं लगा कि ओके. मैंने 3 दिन का ब्रेक लिया अपने काम से, मैंने बोला कि मैं आई एम सिक और मेरे को बुखार है, और मैंने किसी को नहीं बोला. आई केम टू बॉम्बे, मैं यहाँ पर आया, 3 दिन का मैंने ऑडिशन किया, प्रोसेस ख़त्म हुआ मेरा, एंड देन मैं वापस चला गया अपने काम पे. 1 महीना आई वॉज जस्ट गोइंग ऑन थिंकिंग कि शायद कॉल आएगा, अगर कॉल नहीं आया तो इसका मतलब आई ऑलरेडी न्यू कि शायद आई एम नॉट केपेबल इनफ टू इवन गो टू बॉम्बे, एंड आई न्यू कि अगर ये नहीं हुआ देन आई हैव टू स्टिक टू माई वर्क. लाइक अगर मेरे को कॉल नहीं आता इससे, 1 महीने बाद मेरे को कॉल आता है, वो बोलते हैं कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर पार्ट ऑफ. तो उन्होंने 18 लोगों को सेलेक्ट किया था एज अ बैच,
पहला बैच फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आई वॉज वन ऑफ द 18. आई फेल्ट सो हैप्पी कि चलो कोई तो नोटिस कर रहा है कि समवन इज़ गिविंग मी दैट प्लेटफॉर्म कि मैं परफॉर्म कर सकूँ, कि मैं अपने जो मैं करना चाहता हूँ कोई मुझे दे रहा है अपॉर्चुनिटी. मैंने उसी दिन आई क्विट माई जॉब, मैंने पेपर डाले.